हरि ओम नमस्ते। मेरा नाम वैद्य अभिनव उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। पिछले 6 वर्षों से मैं एक आयुर्वेदिक सेंटर पे एज अ फिजिशियन वर्क कर रहा हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने तरह तरह की व्याधियाँ और तरह तरह के ट्रीटमेंट देखे, बट इस ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर पे जो मैंने चिकित्सा का एक अनुभव किया और उसे देखा, उसे सुना, वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सा कहूँगा मैं जो रही। चिकित्सा पद्धति में हमने देखा कि आए दिन हमारे यहाँ जो मरीज हैं, जो पेन मैनेजमेंट का एक तरीका है, अभी तक जो भी आप अर्थराइटिस के, स्पॉन्डिलोसिस के जो भी ट्रीटमेंट हमें करने होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर बना होता है कि हम इसे क्या पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ये भी संदेह होता है कि ये कितना ड्यूरेशन लेगा। तो एक वैद्य के अंदर अगर इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक डर होता है या उसे संदेह होता है कि ये चिकित्सा कितना समय लेगी किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो बट ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट के अंदर भी वो सारी चीज़ें होती है। तो हमसे पेशेंट ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि कितने टाइम लगेंगे। तो हम अभी तक उनको पंचकर्मा चिकित्सा से या औषधि चिकित्सा से हम उनको अभी तक जो भी दवाइयाँ दिया करते थे उससे जो भी उनको लाभ मिला करता था वो पूर्ण नहीं होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे भी दिमाग में एक संदेह होता था कि हमें क्या ऐसा नया करना चाहिए जिससे उनको एक अच्छा लाभ एक कम समय में और जिसको कहा जाए इकोनॉमी जिसे कहा जाता है एक कम पैसे में दिया जा सके। बहुत खोजा विचारा तो एक हमारा सौभाग्य रहा कि हमें एक ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर के बारे में पता चला। हमने नेट पे ढूंढा, हमने लोगों से पूछा, उसके बारे में कई सारी जानकारियां पता करना चाहिए। फिर नेट से हमने इस ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर के डॉक्टर हितेश सर हैं, उन सभी की सर से बात किया कि सर इस चिकित्सा के बारे में हम थोड़ा ज्ञान लेना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले तो उनके पास समय नहीं था, इस सेंटर पे इतनी भीड़ थी, पिछले 2 वर्षों से हम लगे हुए थे। किसी तरह से हमें वो दिन आया कि हमको उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक 5 दिन का एक सेशन चलाएंगे जिसमें हम आपको बुलाएंगे। उसके लिए एक परीक्षा भी ली जिसमें इंटरव्यू हमने दिया, हमने अपने जो भी हमारा ज्ञान था हमने उनसे बताया कि हम इस तरह से चिकित्सा कर रहे हैं, ये लाभ है ये नहीं लाभ है। तो उन सारी चीज़ों को सुनते हुए उन्होंने फिर हमें एट द एंड इस चीज़ के लिए चुना और यहाँ बुलाने का एक हमें अवसर दिया। यहाँ आने के बाद हमारा जो एक आयुर्वेद को देखने का नज़रिया था, जो अभी तक हम एक बात पित्त कफ को देखते थे कि वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उस हिसाब से हम उसको औषधि देते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वात पित्त कफ का जो देखने का नज़रिया था वो पूरी तरीके से बदल गया। हम वात को कहीं ना कहीं वात है तो वात को सप्रेस करने की औषधि देना है, पित्त है तो पित्त को सप्रेस करने की औषधि देना है, तो यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग था। कहीं ना कहीं हम उसको एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से काफ़ी हद तक को रिलेट किए। हम डरते थे कहीं ना कहीं कि हम किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से या किसी भी न्यूरो सर्जन से मिलने के लिए हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि आयुर्वेद क्या है। वात पित्त कफ समझाना उनके लिए काफ़ी कठिन की बात होती थी कि क्या है वात, क्या है पित्त, क्या है कफ। बट यहाँ आके जो इस ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर से हमें शिक्षा मिली वो कहीं ना कहीं हमें एक मॉडर्न तौर पर भी उन्हें समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया गया कि हम उनकी भाषा में कैसे उन्हें न्यूरो मॉड्यूलेशन सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ों विप्स हैं, कैसे प्राणवह काम करता है, कैसे उदान वायु काम करती है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान हमें यहाँ से मिला। और अब हमारा उन चीज़ों को देखने का नज़रिया और उन्हें ट्रीट करने के पीछे जो एक अग्निकर्म का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अद्भुत चिकित्सा रही। इस चिकित्सा से बहुत ही कम समय में आप कम इकोनॉमी स्तर पे भी पेशेंट को बहुत अच्छी राहत दे सकते हो, जिसमें हमें मेडिसिंस भी बहुत ही कम देनी होती है। इसके कुछ सेशंस हैं जैसा हमें यहाँ पढ़ाया गया, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें हमें यहाँ सिखाई गई। ये एक बहुत ही कम जगहों पे देखा जाता है कि किसी चीज़ों को पढ़ाया भी जा रहा हो और कराया भी जा रहा हो, तो वो दोनों चीज़ों का ज्ञान हमें यहाँ अर्जित हुआ। एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखी कि एक जो समाज सेवा का भाव है वो हमें यहाँ बहुत अच्छा दिखा कि यहाँ पे एक शुक्रवार और शनिवार को इस तरह से एक फ्री कैंपिंग रखी जाती है, फ्री चिकित्सा रखी जाती है। यहाँ जहाँ हम देख रहे थे हमने 2 दिन में यहाँ पे देखा कि एक दिन पहले से ही पेशेंट आके बैठे हुए हैं, 5 बजे से ही शाम को आके बैठ गए हैं, लेकिन उसमें भी किसी भी वैद्य का कोई भी हमें ऐसा नहीं लगा कि अरे इतने पेशेंट हैं इनको इतना जल्दी करके निपटाना है। उनको उतना ही समय उतनी ही गंभीरता से देखा गया और उतनी ही अच्छी चिकित्सा की गई जो बाकी दिन की जाती है।
तो ये एक समाज सेवा का भाव एक बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा है, जो यहाँ से जाके इसको मैं भी करना चाहूंगा और इस सेंटर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं प्रयास करूंगा कि फिर से कभी मेरा ये अवसर मिले कि मैं यहाँ आके इन वैद्यों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, और मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ सेंटर और भी जगह खुले जहाँ से लोग इस आयुर्वेद ज्ञान को अर्जित कर इस अग्निगर्भ चिकित्सा को और ऊपर ले जाए, और जो लोगों का कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा के प्रति है वो पूरा नजरिया बदल जाए और लोग स्वस्थ जिए और स्वस्थ रहें। यहाँ पे आके डॉक्टर अश्विन भारूड सर, जो कि हमारा सौभाग्य रहा कि वो यहाँ पर आए, वो बेसिकली लंदन में रहते हैं और उन्होंने अपने इन वैद्यों की कहीं ना कहीं उत्सुकता को देखते हुए यहाँ आने का निर्णय लिया और वो यहाँ आए, और उन्होंने जो हमें एक आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट बताया, और आयुर्वेदा का ही नहीं पूरा एक फिलॉसफी के तौर पर कैसे हमें एक व्यक्ति को देखना है। अभी तक तो हम उससे पूछते थे कि वातज है, पित्तज है, कफज है, प्रकृति को देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वाइल सीइंग द पेशेंट, वाइल द अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, वी कैन फाइंड आउट कि ये किस प्रकृति का पेशेंट है। तो कहीं ना कहीं उस प्रकृति को देखते हुए हमें उस तरीके से पेशेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे पेशेंट हमें पूरी तरीके से अपनी बातों को बता सके, हमारी बातों को समझ सके। तो ये सारा ज्ञान हमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर अश्विन भारूड सर ने बताया, और आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस आयुर्वेद को ज्ञान जो हमें था इसके पहले, जो हमने अष्टांग हृदय क्षरक संहिता जो भी पढ़ी, वो एक पढ़ाई और ये एक फिलॉसफी के तरीके से उसको देखना, एक भारूड सर से जो सीखने का आनंद मिला वो एक बहुत ही अद्भुत था। इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से आभारी रहूंगा सर का, कि फिर से अगर कभी मौका मिला तो उनके साथ वक्त बिताने का जरूर मौका।